आउटलुक है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज बहुत ही खुशी की लहर है। केसरिया से जो सजा हुआ जो दरबार है बीजेपी के अंदर, जो मंच का दरबार है, उस दरबार में अब कांग्रेस के हाथी घोड़े सब हमें नज़र आने वाले हैं। वो चेहरे नज़र आने वाले हैं जिन्होंने कहा जा सकता है लंबे समय तक कांग्रेस की राजनीति में परचम फहराया। लालचंद कटारिया वो नेता जो यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और साथ ही वो जयपुर ग्रामीण से सांसद रहे, आमेर से विधायक रहे, उसके बाद वो झोटवाड़ा से विधायक रहे, पिछली गहलोत सरकार में वो कृषि मंत्री रहे, न केवल वो गहलोत के नजदीक रहे बल्कि सीपी जोशी जो कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व स्पीकर है उनके बहुत करीब रहे लालचंद कटारिया। और आज वो भी पार्टी से उनका मोह भंग हो चुका है अपनी पुरानी पार्टी से। आज वो कांग्रेस छोड़कर पहली बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में आए। और लालचंद कटारिया की बात इसलिए करूंगा मैं कि लालचंद कटारिया ना केवल आज ही बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका इससे पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी से सरोकार नहीं रहा। वो कांग्रेस के उस जमाने से आए हैं, वो यूथ कांग्रेस की राजनीति से निकले, कांग्रेस में कई पदों पर रहे और उनका पूरा परिवार कांग्रेसी रहा। उनके पिता राम प्रताप कटारिया आमेर से विधायक रहे, तो एक लीगेसी उनके परिवार की जयपुर देहात की सियासत के अंदर रही, यहाँ की जाट पॉलिटिक्स में रही। यह अलग बात है कि सचिन पायलट से उनकी कभी नहीं बनी, कभी वो सचिन पायलट को लेकर उनका कहा जा सकता है कि उनका जुड़ाव उनसे सीधे तौर पर नहीं रहा, लेकिन अन्य नेताओं के साथ कांग्रेस पार्टी के उनका जुड़ाव रहा। और अभी थोड़ी देर पहले आपने आलोक बेनीवाल को सुना, आलोक बेनीवाल ने मनी मन ये बात कह दी कि किस तरह उन्होंने बतौर निर्दलीय रहते हुए शाहपुरा के अंदर कई काम किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी से अब उनका मोह भंग हो चुका है। वो नरेंद्र मोदी के कार्यों को लेकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामकाज से प्रभावित होकर वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर या कांग्रेस को अलविदा कहकर और बीजेपी ज्वाइन कर रही है। ये वही आलोक बेनीवाल है जिनकी माँ डॉक्टर कमला गुजरात की राज्यपाल रही, त्रिपुरा की राज्यपाल रही, राजस्थान की सरकार में वो उपमुख्यमंत्री गहलोत साहब की जब पहली सरकार बनी थी तब डॉक्टर कमला प्रदेश की उपमुख्यमंत्री कहलाई थी, एक प्रखर जाट नेता के तौर पर। और उस जमाने की नेता जब महिलाएं पढ़ाई लिखाई में को लेकर बड़ा सवाल खड़ा होता था खासतौर से किसान कम्युनिटी में, उस जमाने में डॉक्टर कमला एक पढ़ी लिखी महिला के नाते जब विधानसभा में दस्तक दी थी, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि दूसरा विधानसभा चुनाव से वो विधानसभा के अंदर उनकी दस्तक रही और एक बड़ी नेता के तौर पर उनका डॉक्टर कमला का कद रहा। राजस्व मंत्री के तौर पर उनकी ख्याति रही और इसके साथ ही वो कई महकमों की मंत्री रही कांग्रेस के सरकारों के अंदर, चाहे वो हरदेव जोशी की सरकार रही, शिवचरण माथुर सरकार रही, अशोक गहलोत की सरकार रही और फिर वो कांग्रेस पार्टी के अग्रिम पंक्ति की नेताओं में शुमार रही। तो ये कहा जा सकता है आज उनके पुत्र आलोक बेनीवाल अपनी पत्नी के साथ आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उनकी पत्नी भी कांग्रेस पार्टी की सदस्य है, वो भी आज कहा जा सकता है कि और भी कई नेता हैं शाहपुरा के कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ आज ज्वाइनिंग हो रही है। खिलाड़ी लाल बैरवा की यहाँ अगर हम बात कर लेते हैं तो खिलाड़ी लाल बैरवा भी कांग्रेस के बड़े दलित नेता हैं। राज्य SC आयोग के पिछली सरकार में उनको अध्यक्ष बनाया गया था, मंत्री का दर्जा दिया गया था और SC आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की मांग उन्होंने की थी, हालांकि वो मांग पूरी नहीं हो पाई। और वो सचिन पायलट कैंप में आते थे, हालांकि उससे पहले वो गहलोत कैंप में थे और कहा जा सकता है कि अशोक गहलोत कैंप में वो बाड़ेबंदी में भी रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सचिन पायलट को ज्वाइन किया, सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की थी और कांग्रेस पार्टी ने उनका बसेड़ी से टिकट भी काट दिया था। और अब खिलाड़ी लाल बैरवा भी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, वो सांसद भी रह चुके हैं करौली धौलपुर से, तो एक प्रखर पूरी राजस्थान के प्रखर दलित नेताओं में खिलाड़ी लाल बैरवा की गिनती होती। कांग्रेस के अंदर भी उनकी रीच बहुत बड़ा कदम है, पार्टी इससे बहुत मजबूत होगी आने वाले समय में। आप देखेंगे कि और भी लोग मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे और ये एक शुरुआत है और ये आगे कायम रहेगी मुझे लगता है। पूरे लोकसभा के दाम जोश देख सकते हैं लोग, जी मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही बड़ा कदम है और जिस समाज को जिस वर्ग को कहा जाता जिस वर्ग के लिए या जिस किसान समाज के लिए कहा जाता था कि उसका बीजेपी के साथ में जुड़ाव इतना ज्यादा नहीं है, आज हम एक उदाहरण देखेंगे यहाँ पे कि इतने बड़े बड़े नेता जो ग्रामीण पृष्ठभूमि से जाट समाज से किसान वर्ग से आते हैं वो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं और उनके साथ में जो कार्यकर्ता हैं वो भी आप समझिए कि सब सरदार लोग हैं जिनके पीछे बहुत बहुत सारे वोटर्स हैं।
तो इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा मुझे इस समय में। कम्युनिटी के बड़े नेता उस पार्टी से मुंह भंग हो रहा है जिससे जागीरदारी सामंत प्रथा के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी। देखिए उस जमाने में जो पार्टी रही थी कांग्रेस, आज वो पार्टी नहीं है। ये पहले मैंने जब ज्वाइनिंग करी थी तब मैंने भी ये चीज बताया था, और एक आम धारणा बनी हुई थी कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी कांग्रेस से जाता है, किसी बाहर की पार्टी से जाता है, उसको यूज एंड थ्रो किया जाता है। मैं उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ, जहाँ अगर आप पार्टी के साथ मिलकर के काम करते हैं, पार्टी के लिए मेहनत करते हैं, तो बहुत लंबे समय में पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारियां दी है, चुनाव लड़ने का मौका दिया है, और आज इसी का एक मुझे लगता है लोगों का जो रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर हो रहा है। किसान वर्ग के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, युवा वर्ग हों, महिलाएं हों, सभी का रुझान आज मोदी जी के नेतृत्व में इस देश के अंदर अपनी छोटी मोटी भूमिका निभाने का करना चाहते हैं। सभी लोग चाहते हैं कि राष्ट्र निर्माण में अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा कदम है। जिम्मेदारियां तय की गई हैं नेताओं की, किस किस को क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी? नहीं, ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लिए है, किसके क्या जिम्मेदारी देते हैं ये फैसला हमारा नहीं है, पर जो आज नेता सारे ज्वाइनिंग कर रहे हैं उनकी किसी की भी कोई शर्त नहीं है, सब बिना शर्त के पार्टी ज्वाइन कर। कांग्रेस को फिर बड़ा झटका लगा है। दो पूर्व मंत्रियों सहित कई पूर्व विधायक और जनप्रतिनिधि भाजपा में शामिल होंगे, जिनमें पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, पूर्व विधायक ऋजपाल मिर्धा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा का नाम शामिल है। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, सेंधमारी बीजेपी की जारी है, लेकिन क्या इस पर अभी तक कांग्रेस की कोई टिप्पणी आई है क्या? क्योंकि आपको ध्यान होगा पीसी चीफ डोटासा ने क्या कहा था जब महेंद्र जी सिंह मालवीय आए थे बीजेपी में। देखिए शिका, बहुत उत्साह है लोगों के अंदर, और जिस तरह से ऋषपाल मिर्धा और विजयपाल मिर्धा एक साथ आए हैं, आज पिता पुत्र दोनों, और कांग्रेस पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्होंने थाम लिया है, बड़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ मौजूद है, और देखता तस्वीरों के जरिए, और पूरे नागौर की राजनीति में चल रहा, पूरी जाट राजनीति के अंदर महल है, और हम खास तौर से देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि यहाँ पर बड़ी संख्या में जो नारेबाजी दिख रही है, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंचे हैं। तो ये जो किसान कौम के नेताओं के जो नारे हमें कांग्रेस पार्टी के अंदर सुनाई देते रहे, सालों तक सुनाई देते रहे, अब वो नारे हमें भारतीय जनता पार्टी के अंदर सुनाई दे रहे हैं, और कुछ ही समय में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचेंगे, और उसके बाद बीजेपी ऑफिस के अंदर औपचारिक पदभार सदस्य ग्रहण का कार्यक्रम होगा। हाल ही में अभी सीपी जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो पार्टी कार्यालय के अंदर है, और तमाम नेताओं लालचंद कटारिया, ऋषपाल मिर्धा, विजयपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा, सुरेश चौधरी और आलोक बेनिवार अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहुँचे हैं। लालचंद कटारिया अपने भाई गोपाल कटारिया के साथ पहुँचे हैं। मैंने कहा जा सकता है कि पूरे एक बड़े कुनबे ने पार्टी को छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है और भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और इसके साथ ही डॉक्टर कमला के बेटे आलोक बेनिवाल भी अपनी पत्नी के साथ बीजेपी कार्यालय पहुंचे। बीजेपी के अंदर नेता जो मौजूद है, चाहे वो सीपी जोशी है, राजेंद्र राठौड़ है, और तमाम बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है, और कुछ ही देर में जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंचेंगे तब वो कहा जा सकता है कि उनकी मुलाकात के औपचारिक तौर पर जो सदस्य ग्रहण का कार्यक्रम है वो हमें यहाँ पर नजर आएगा। तो एक लंबा इतिहास रहा है कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में जाने वाले जाट नेताओं का, एक लंबा इतिहास रहा है, चाहे हम गंगाराम चौधरी की बात कर ले, चाहे हम, और ये हम बात करें जितेंद्र कायथवाल जी हमारे साथ है, जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, लालचंद कटारिया के सबसे खास नेताओं में इनकी गिनती है। पहले तो कायथवाल जी ये बताऊँ आपको, लंबे समय हमने तो आपको एक कर्मठ कार्यकर्ता यूथ कांग्रेस एनएसयूआई के जमाने से देखते आ रहे, आज बीजेपी का दामन आप थामे। बिल्कुल सर, आज ही नहीं, मैं तो मेरी भूल हो गई कि मैं पहले ही आ जाना चाहिए था। जो ये पार्टी है ये एक्चुअल में कैडर बेस्ड पार्टी है, और हमने हमारे परिवार से ही सीखा है कि हमेशा बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, और यहाँ सम्मान होता है निश्चित तौर पे, मान के चलिए। और कौन कौन आ रहा है पूरे खास तौर से, चाहे अमेरिका ब्लॉक हो चाहे फिर वो जोटवाड़ा का ब्लॉक, कांग्रेस कमेटी जोटवाड़ा से हमारे
बहुत से वार्ड अध्यक्ष आ रहे हैं, पार्षद प्रत्याशी भी आए हैं, जैसे एक तो हमारे कैलाश जी बागड़ा खुद वार्ड नंबर 50 के अध्यक्ष खड़े हैं, ये हमारे उपाध्यक्ष खड़े हैं, देवेंद्र जी आए हमारे वार्ड के अध्यक्ष, अरुण जी आए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लालचंद कटारिया जी के साथ रहे और हमने बड़ों का बुजुर्गों का सम्मान करना सीखा और लालचंद कटारिया जी ने एक आवाज़ दी, उस आवाज़ पर पूरी जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र नहीं पूरा जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र ही लालचंद कटारिया के साथ है। बहुत बहुत बड़ी बात है और कहा जा सकता है एक बड़ा, और जैसा मैं आपको कह रहा था कि लंबा इतिहास रहा है जाट नेताओं का कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने का, आज़ादी के बाद, आज़ादी से पहले जब जागीरदारी और सामंत प्रथा के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई थी उस समय कांग्रेस पार्टी के जो किसान नेता है और कांग्रेस पार्टी के जो स्वतंत्रता से जुड़े हुए नेता थे उन्होंने इसके खिलाफ हुंकार भरी थी और उस जमाने में बलदेव राम मिर्जा और जो उनका संगठन था उसने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन इसीलिए किया था कि कांग्रेस पार्टी जागीरदारी और सामंत प्रथा के खिलाफ रही और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल हो गई। हमारे साथ ऋषिपाल मिर्जा के समर्थक बड़ी संख्या, क्या कारण रहा कांग्रेस पार्टी छोड़कर तमाम आप कार्यकर्ता? सर का अब कांग्रेस रही नहीं। देखिए भारत के अंदर पिछले 70 सालों के अंदर जो बेरोजगारी का आलम छाया है, जो भ्रष्टाचार का आलम छाया है, आप गायों की हत्या। आपके पास की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा लगातार बने हुए हैं क्योंकि आज बड़ा झटका राजस्थान में कांग्रेस को मिला है। योगेश जी आप वार्तालाप भी कर रहे हैं लगातार नेताओं से, लेकिन योगेश जी क्या लगता है, हालांकि मैं आंध्र प्रदेश के घटनाक्रम का जिक्र यहां करूंगी क्योंकि जरूरी भी हो जाता है, बीजेपी को जिन सीटों पर खतरा मंडराता हुआ दिखाई दे रहा था वहां कुनबा आंध्र प्रदेश में बढ़ाया गया, टीडीपी का साथ बीजेपी को मिला और ऐसी घटनाएं महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक में भी देखी जा रही हैं, राजस्थान से इसका कितना कनेक्शन है? देखिए वाकई में ये एक कहा जा सकता है कि बीजेपी के साथ लोगों के जाने का, नेताओं के साथ जुड़ने का, अन्य दलों के का जुड़ने का ये बड़ा घटनाक्रम पूरे देश भर में चल रहा है। जो आपने टीडीपी की बात की तो टीडीपी के साथ पहले भी बीजेपी का अलायंस साउथ के अंदर रहा है, आंध्र प्रदेश में रहा है, अब फिर से टीडीपी बीजेपी के साथ आई है। मध्य प्रदेश में कल आपने देखा कांग्रेस के कई नेताओं की बीजेपी में ज्वाइनिंग हुई और आज भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में भी कई नेताओं, तो मैं जैसा आपको कह रहा था कि सालों पुराना जो इतिहास रहा है, चाहे गंगाराम चौधरी हो, चाहे सुमित्रा सिंह हो, चाहे कर्नल सोनाराम हो और चाहे और भी कई बड़े दिग्गज नाम हो जिन्होंने बीजेपी के अंदर राजनीति की, जनता दल में राजनीति की, लोकदल में राजनीति की और बाद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और बाद में बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस छोड़कर और बीजेपी में उन्हें काफ़ी बड़ी जगहों पर स्थान मिला। भानु प्रकाश मिर्जा जो कि बीजेपी में आए उनको लेकर गए भैरव सिंह शेखावत और बाद में वो नागौर से सांसद बने थे। ऋषिपाल मिर्जा भी पहले एक बार बीजेपी में रह चुके हैं लेकिन ये खांटी कांग्रेसी परिवार रहे हैं। नाथुराम मिर्जा उस जमाने के नेता जब पूरे देश भर में केवल 2 कांग्रेस के सांसद जीते थे उनमें से एक नाथुराम मिर्जा थे। आज उनकी पोती, उनके भतीजे और उनके पोते सब बीजेपी में शामिल हो गए हैं, तो ये अपने आप में कहा जा सकता है एक बड़ा घटनाक्रम है। ज्योति मिर्जा को पहले ही बीजेपी लोकसभा का नागौर से टिकट दे चुकी है और ऋषिपाल मिर्जा जो कि डेगाना से विधायक रह चुके, फिर उनके बाद उनके बेटे विजयपाल मिर्जा वो भी डेगाना से विधायक रह चुके, तो चाहे वो नागौर की सियासत हो चाहे वो राजसंबंध की राजनीति हो इन दोनों पर असर पड़ना है मिर्जा परिवार के इस बीजेपी में शामिल होने के बाद, तो एक लंबा इतिहास रहा और कहा जा सकता है कि जैसा मैंने कहा आपको कि एक ज़माने में जब किसान कम्युनिटी के नेता कांग्रेस के अंदर जिनका बोलबाला हुआ करता था, चाहे वो परसराम मदेरणा हो, चाहे वो रामनिवास मिर्जा हो, चाहे वो कहा जा सकता है डॉक्टर हरी सिंह हो, चाहे वो राम नारायण चौधरी हो, ये तमाम वो नाम, चौधरी हरलाल सिंह हो, ये सभी वो नाम रहे जो अपने जमाने के बड़े नेता रहे। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। बिल्कुल योगेश जी आपके पास मैं दोबारा लौटूंगी, तस्वीरें भी आपके माध्यम से देखेंगे और इसके अलावा आगे पूरे परिवार के साथ है। अनुज जी बड़ा घटनाक्रम है, क्या कहेंगे, एक तो क्या सुनामी से ला रहे हैं आप कांग्रेस के अंदर? हम तो सुनामी लाने वाले नहीं है, हम तो सिर्फ प्रदेश की खुशहाली के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के लिए और आने वाले समय में जो आम जनता की अपेक्षाएं उसको पूरा करने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं।
मैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करूंगा और धन्यवाद करूंगा, साथ ही प्रदेश के नेतृत्व का भी आभार करूंगा। आदरणीय सीपी जोशी साहब जो अध्यक्ष हैं इसके, माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी साहब का और समस्त टीम का मैं उनका आभार प्रकट करूंगा। एक लीगेसी है आपके परिवार की, एक राजनीतिक लीगेसी कमला जी, उस समय से कांग्रेस पार्टी की विधायक रही जब देश आजादी के बाद राजस्थान में पहली या दूसरी सरकारें बनी थी। पीढ़ियां बदलती हैं, काम करने का तरीका बदलता है, आदमी के काम करने का तरीका बदलता है। हमारा उद्देश्य तो एक ही है, मैं 5 साल विधायक रहा, मैंने मेरे क्षेत्र के अंदर जो विकास का काम करा, जो मेरी दायित्व तो बनता था, जनता ने मुझे दिया था, उसको पूरा करने में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। अब ये क्या कारण हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन मैं जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ इस क्षेत्र में और मेरा भावना सदा से जनता की सेवा करने की रही है और मेरे परिवार की भी यही भावना रही है सदा से। तो मैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन है काम करने का, आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब का और माननीय भजनलाल जी मुख्यमंत्री है उनका, तो मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि हमारा विजन क्या होता है आज सार्वजनिक जीवन में, जो विकास का काम है, जो जनता के दुख दर्द के काम है, जो और जो काम है उसको आप पूरा करें। मैं निर्दलीय बना, निर्दलीय बनने के बावजूद भी जो आपका टिकट कांग्रेस से हो रहा था और आपने कांग्रेस का साथ दिया फिर भी टिकट नहीं दिया, मैं इस बारे में जानना नहीं चाहता क्योंकि मैं अब आगे की पारी खेलने जा रहा हूं, तो मैं उस बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। मेरा तो उद्देश्य एक ही है कि मैं मेरे क्षेत्र की जनता को और भी बेहतर सुविधाएं सरकार के माध्यम से, चाहे वो राज्य की सरकार है चाहे केंद्र की सरकार है, मिलकर के क्षेत्र की जनता के कामकाज में या उसकी सेवा करने में लगाऊंगा, इतना ही भावना के साथ में। आलोक जी आपके साथ और भी लोग आ रहे हैं, चेयरमैन भी है शाहपुरा के पंच पटेल, कई लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सबकी भावना है जनता पार्टी दे रही है। सवाल कई तरीके के, चाहे कांग्रेस को लेकर कीजिए या फिर भाजपा में शामिल होने के बाद इनके फायदे के बारे में बात करें, लेकिन कई तरह के सवाल है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है बहुत कुछ बयां कर रही है, संदेश कांग्रेस के लिए, सबक कांग्रेस के लिए और उत्साहित करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए, ओवर टू यू। योगेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है क्योंकि म्यूजिक सुनाई दे रहा है, उत्साह है वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं में, अगर आवाज पहुंच रही है तो जानकारी जरा दीजिएगा, अभी क्या माहौल है वहां पर। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा उत्साह उन तमाम कार्यकर्ताओं में जो आज दल बदल कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं में जिनका कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्या वो इससे सबक लेती नजर आएगी, कई तरीके के सवाल। लेकिन तस्वीरें आपको बीजेपी मुख्यालय से हम लगातार दिखा रहे हैं, बड़ा झटका कांग्रेस के लिए। कई कांग्रेसी नेता जो कि कई में बड़े नाम है, थोड़ी ही देर में बस भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। काफिला हमने आपको दिखाया जो कि सीधा बीजेपी मुख्यालय में गया, और ऐसा बहुत कम होता है जब इस तरीके से कई दिग्गज नेता एक साथ इसी तरीके से काफिले के साथ बड़े लेवल पर जाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि दर्द जुबा पर आता है, बयान करते हैं, आरोप लगाए जाते हैं और वो कटाक्ष भी होते हैं। लेकिन इस तरीके से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, बहुत बड़ा सबक कांग्रेस के लिए, क्या वो लेती नजर आएगी इससे, ये भी देखने वाली बात होगी। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से उनसे सवाल दोहराते हैं। योगेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण तस्वीरें आप दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के दर्शकों को, अभी किस तरीके का माहौल है जरा जानकारी दीजिएगा। देखिए पूरा पूरी भारतीय जनता पार्टी आज लगता है कांग्रेस के उस रंग से रंगी हुई नजर आ रही है, जो रंग हमें कुछ दिनों पहले से कांग्रेस में नजर आते थे, चाहे वो लालचंद कटारिया हो, चाहे वो कृष्णपाल मिर्धा हो, विजय पाल मिर्धा हो, आलोक बेनीवाल हो,
चाहे सुरेश चौधरी हो, किशन, चाहे वो खिलाड़ी लाल बैरवा हो, ये तमाम वो लीडर्स जो एक जमाने भर तक कांग्रेस पार्टी के अंदर न केवल नारे लगाते हुए चुनाव लड़ते हुए और एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के अंदर जिनका अतीत रहा, वो अब भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे। कुछ देर पहले बीजेपी प्रदेश के मुख्यालय के अंदर सीपी जोशी जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनसे तमाम कांग्रेस छोड़कर आने वाले जो नेता हैं उन्होंने मुलाकात की है और राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद है, तमाम नेता मौजूद है। पूर्व उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंची है। तो तमाम जो शीर्ष नेता हैं, बीजेपी के सह प्रभारी जो कि राजस्थान की है विजय राहटकर, वो भी बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। तो पूरी तरह से देखा जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक अलग तरह का माहौल आज नज़र आ रहा है। और जैसा मैंने कहा, नागौर की सियासत प्रभावित होगी, जयपुर देहात की सियासत प्रभावित होगी। जयपुर देहात का तो आलम यह है कि लालचंद कटारिया, लालचंद कटारिया के अलावा आलोक बहलीवाल, ये तमाम बड़े छत्रव, राजेंद्र यादव पूर्व मंत्री जो कि लालचंद कटारिया के बेहद नज़दीक है, वो भी भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये तमाम बड़े नेता जो कांग्रेस पार्टी के कद्दावर चेहरे कहे जाते थे, लालचंद कटारिया गहलोत सरकार में मंत्री, राजेंद्र यादव गहलोत सरकार में मंत्री, खिलाड़ी लाल बैरवा भी उनको मंत्री का दर्जा था, राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष रहे खिलाड़ी लाल बैरवा, और वो भी कहा जा सकता है कि एक बड़ा चेहरा दलित वर्ग का। ये जो नाम आप बता रहे हैं और ये कयास फर्स्ट इंडिया पहले से ही लगा रहा था, ये जानकारी देता, अब इन सबको समझाने की कोशिश कीजिए। जिस तरीके से काफिला निकला, बीजेपी मुख्यालय आया, बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है। क्या इससे सबक लेगी कांग्रेस? क्योंकि बहुत बड़ा संदेश है, एक साथ इतने दिग्गज नेता और उनके साथ उनके समर्थक भी, और बीजेपी में तो उत्साह है ही, उनका तो कुनबा बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा सबक है। क्या अब जाकर, क्योंकि इतिहास सबक वाला कांग्रेस का रहा नहीं है, क्या अब जाकर सबक लेगी वो इससे? देखिए पूनम, बहुत बड़ा सवाल है, सवाल इतना गंभीर है आपका कि इस सवाल के अगर जवाब की बात करें तो ये वाकई में, चाहे राहुल गांधी के सोचने की बात हो, चाहे प्रियंका गांधी के सोचने की बात हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की सोचने की बात हो, तमाम बड़े जो नेता हैं, जो कांग्रेस पार्टी के, जो कांग्रेस पार्टी के आधार हैं, जिनके स्तंभ है, आलाकमान जिन्हें हम कांग्रेस पार्टी कहते हैं, ये सोचनीय बात है। सोचनीय बात में कई सवाल इस बात को लेकर होते हैं कि आखिर क्या कारण रहे, और क्या कारण है कि जो बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, राजस्थान के बड़े नेता है, वो अपने समर्थक नेताओं को नहीं रोक पा रहे। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा सवाल है कि आखिर क्यों वो समर्थक नेताओं को नहीं रोक पा रहे बीजेपी में जाने से, क्यों बीजेपी में जा रहे हैं, क्यों मोह भंग हो रहा है। ऋषपाल मिर्धा जिनकी जुड़ाव रहा, अशोक गहलोत के साथ भी उनका संबंध ठीक रहे, और साथ ही विजयपाल मिर्धा उनकी पार्टी के विधायक रहे, कांग्रेस पार्टी के विधायक रहे, आखिर क्या कारण रहा, ये सवाल जरूर है कि ज्योति मिर्धा चली गई उसके बाद से अटकल लगी थी। और ये बात बिल्कुल सही है आपकी पूनम कि फर्स्ट इंडिया ने अभी नहीं, बहुत पहले ही ये संकेत दे दिए थे, ना केवल संकेत बल्कि नाम भी बता दिए थे कि कौन बड़े चेहरे कांग्रेस पार्टी के बीजेपी में जा सकते हैं। और आपको बता दूं, हाल ही में जो राहुल कस्वा के टिकट कटने का नागौर का घटनाक्रम हुआ था, उसके बाद से ये हो सकता है, ज्वाइनिंग एक दो दिन बाद भी हो सकती थी, लेकिन जो जिस तरह का राहुल कस्वा का घटनाक्रम हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि डैमेज कंट्रोल का ये बेहतरीन वक्त है, और जिस तरह राहुल कस्वा, क्योंकि अब आग उगल रहे हैं, तो ऐसे में बीजेपी उन चेहरों को ज्वाइन करा सकते हैं जो पाइपलाइन में चल रहे थे, और वो जो कद्दावर जाट नेता कहे जाते हैं राजस्थान के, तो एक तरह से उनको यहाँ पर लाया गया और उनको ज्वाइन कराने का काम यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने किया। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पूरी तरह बीजेपी के अंदर एक अलग तरह की जो कहा जा सकता है सियासी सीनियरियो है, वो हमें यहाँ नजर आया, और यही कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हाथों हाथ कांग्रेस के इन तमाम नेताओं। योगेश जी, अब इससे ये इतना बड़ा सवाल निकलता है, आपने इसे विस्तार से समझा दिया, बीजेपी सब कुछ देख रही थी और उसका सियासी लाभ ले लिया, लेकिन राहुल गांधी राजस्थान में आते हैं, यात्रा करते हैं, कदम ताल करते हैं, लेकिन कदम ताल के साथ साथ जो हाथ से हाथ छूट रहा है उस पर ध्यान नहीं दिया जाता, कितनी बड़ी बात है। और वो अब ये कहते हैं कि ये कोई जाए तो हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सच तो ये है सर कि फर्क पड़ता है। देखिए, महेंद्रजीत सिंह मालवीय वो चेहरे रहे जिनके जाने के बाद एक लाइन सी लग गई है बीजेपी के अंदर जाने वाले नेताओं की, और ये थमने वाली नहीं है। मुझे जहाँ तक ध्यान है कि और भी बड़े नेता, लालचंद कटारिया एक ऐसे नेता है जिनके रसूखात
दलों से अलग है, जिनके रसूखात भारतीय जनता पार्टी के साथ पुराने थे, तो वही कांग्रेस में ऐसे कई नेता हैं जिनके लालचंद कटारे के साथ उस तरह के संबंध है कि अगर वो उन्हें चाहे तो उन्हें कभी भी वो बीजेपी के अंदर लाकर ज्वाइन करा सकते हैं। चाहे वो कांग्रेस के कई बड़े चेहरे हैं जिनके साथ उनके राजनीतिक मित्रता उनकी रही है, तो ऐसे में इस बात में कोई हमें शक शुबा नहीं होना चाहिए कि आने वाले दिनों में और कई बड़े कांग्रेस के चेहरे लोकसभा चुनाव के ठीक वक्त पर बीजेपी के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। और एक तयशुदा कार्यक्रम के तहत ये हो रहा है, एक कहा जा सकता है एक राजनीतिक रोड मैप के तहत ये पूरी ज्वाइनिंग भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जा रही है। और देखिए अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचने वाले हैं कारगेट, जिस तरह से उनका आने वाला, और उससे पहले जो सिक्योरिटी यहाँ पर हमें नजर आए, तो कुछ ही देर में भजनलाल शर्मा यहाँ पहुँच जाएंगे। और कहा जा सकता है पूरी राजस्थान की राजनीति के अंदर आज एक अलग तरह का दिन है, दो दिन जिसमें जाट नेताओं की तो एंट्री हो ही रही है, साथ ही बड़े दलित चेहरे के तौर पर खिलेलाल बैरवा भी है और अन्य कई नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। और ये लाइन ये थमने वाली नहीं है पूनम, जैसा मैं पहले कह रहा हूँ कि और भी कई नेता हैं जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर रखी है। एक बड़े मीणा छत्रप को लाने की तैयारी है बीजेपी के अंदर, एक बड़े मूल ओबीसी के एक बड़े नेता को लाने की तैयारी बीजेपी के अंदर है, लगभग बातचीत पूरी हो चुकी है कभी भी, और क्योंकि एक साथ सभी की ज्वाइनिंग नहीं हो रही, ये जो ज्वाइनिंग थी इसके पीछे राहुल कस्वा फैक्टर भी एक बड़ा कारण था कि राहुल कस्वा के कारण जो राजनीतिक और जातीय जो डैमेज जो हुआ है उसको थामने की कोशिश यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने की है। और जाहिर सी बात है कि ज्योति मिर्धा को इसका राजनीतिक लाभ नागौर में मिलने वाला है, और जयपुर देहात और जयपुर की जो पॉलिटिक्स है उसमें लालचंद कटारिया का एक बड़ा नाम है। वो जयपुर ग्रामीण से सांसद तो रह चुके, साथ ही आमेर के वो विधायक रह चुके, झोटवाड़ा से दो बार विधायक रह चुके, तो एक पूरी तरह जो राजनीतिक जो पूरी खासतौर से जो जयपुर से निकलने वाला जो दिल्ली रोड है, और चाहे शाहपुरा की राजनीति हो, चाहे विराट नगर की राजनीति हो, चाहे आमेर की राजनीति हो, चाहे झोटवाड़ा की राजनीति हो, ये पूरी जो राजनीति है आज बिल्कुल कांग्रेस के अंदर खलबली सी मची हुई है, एक हलचल है। और ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा दिन आज भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खास है कि आज बड़े कांग्रेस के बड़े नेताओं का आज यहाँ पर बीजेपी के अंदर आगमन हो रहा है, और इस आगमन को और भव्य बनाने के लिए कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुँचने वाले हैं। और भजनलाल शर्मा की कूटनीति की भी दाद देनी होगी, कल ही उन्होंने दो राजपूत छत्रों के बीच छत्रपों के बीच एकता कराने का काम किया, कल ही उन्होंने गजेंद्र सिंह शेखावत और बाबू सिंह राठौड़ के हाथ मिलवाने का काम किया, जो एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम था। बिल्कुल मुझे ध्यान है आज से जो पिछला लोकसभा चुनाव था मैं कवरेज करने के लिए उस समय पोखरण के आसपास था, और मैंने गजेंद्र सिंह शेखावत का उस समय इंटरव्यू किया था, और उस समय मेरे सामने वहाँ पर उस गाँव के अंदर बाबू सिंह राठौड़ और गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक थाली में खाना खाया था। और लेकिन बाद में धीरे धीरे राजनीति में इतना परिवर्तन आया, दोनों एक दूसरे के सियासी शत्रु बन गए, तो कल ये बड़ा काम भजनलाल शर्मा ने किया कूटनीतिक मोर्चे पर। योगेश जी, क्योंकि जोधपुर में संगठनात्मक रूप से भजनलाल शर्मा की एक पैठ भी रही है और उसका उन्होंने फायदा भी उठाया, जो स्ट्रेटेजी वहां पर काम करती है उसी के तहत उन्होंने एक रणनीति के तहत काम किया, इस पर आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेना होगा, आप बने रहिएगा योगेश जी, क्योंकि तस्वीरें दिखाने बेहद जरूरी है, क्योंकि बेहद खास तस्वीरें और बहुत कुछ बयां करती है। स्वागत है आप सभी का, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चले न्यूज ब्लास्ट की शुरुआत करेंगे और जानकारी देंगे कि राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है और कांग्रेस को अब भाजपा झटका देगी, क्योंकि कई कांग्रेस नेता कुछ देर में शामिल होने जा रहे हैं भाजपा में। नाम लालचंद कटारिया, राजेंद्र यादव, रिचपाल मिर्धा, खिलाड़ी लाल बैरवा, लोक बैनीवाल, विजयपाल मिर्धा, रामपाल शर्मा, राम नारायण किसान, अनिल व्यास, ओंकार सिंह चौधरी, गोपाल राम कुकना, अशोक जांगिड, प्रिया मेघवाल, सुरेश चौधरी, राजेंद्र परसवाल, शैतान सिंह मेहरड़ा, राम नारायण झाझड़ा, जगन्नाथ बुर्डा, करमवीर चौधरी, कुलदीप ढेवा, बच्चू सिंह चौधरी, रामलाल मीना, महेश शर्मा, रंजीत सिंह और मधुसूदन शर्मा और अन्य कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। बहुत बड़ा झटका कांग्रेस को आज भारतीय जनता पार्टी दे रही है। सवाल कई तरीके के, चाहे कांग्रेस को लेकर कीजिए या फिर भाजपा में शामिल होने के बाद इनके फायदे के बारे में बात करें, लेकिन कई तरह के सवाल है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। योगेश जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है बहुत कुछ बयां कर रही है, संदेश कांग्रेस के लिए, सबक कांग्रेस के लिए और उत्साहित करने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए। ओवर टू यू।
योगेश जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है क्योंकि म्यूजिक सुनाई दे रहा है, उत्साह है वहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं में, अगर आवाज पहुंच रही है तो जानकारी जरा दीजिएगा, अभी क्या माहौल है वहां पर? एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहां पर इतना ज्यादा उत्साह उन तमाम कार्यकर्ताओं में जो आज दल बदल कर रहे हैं, या फिर यूं कहें कि बीजेपी के उन कार्यकर्ताओं में जिनका कुनबा बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका है, कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा संदेश है, क्या वो इससे सबक लेती नजर आएगी? कई तरीके के सवाल, लेकिन तस्वीरें आपको बीजेपी मुख्यालय से हम लगातार दिखा रहे हैं। बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, कई कांग्रेसी नेता जो कि कई मेन बड़े नाम है थोड़ी ही देर में बस भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। काफिला हमने आपको दिखाया जो कि सीधा बीजेपी मुख्यालय में गया, और ऐसा बहुत कम होता है जब इस तरीके से कई दिग्गज नेता एक साथ इसी तरीके से काफिले के साथ बड़े लेवल पर जाकर दूसरी पार्टी ज्वाइन करते हैं, क्योंकि दर्द जुबा पर आता है, बयान करते हैं, आरोप लगाए जाते हैं और वो कटाक्ष भी होते हैं, लेकिन इस तरीके की तरफ बढ़ता हुआ। भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं, देखिए। हाँ बिल्कुल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर पहुंच चुके हैं, बड़ी खबर है। और यहाँ देख सकते तस्वीरों के अंदर कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो काफिला है वो इस वक्त बीजेपी ऑफिस के अंदर जा रहा है, और यहाँ पर तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय के अंदर, और पूरी तरह यहाँ पर एक अलग तरह का जो माहौल है वो यहाँ नज़र हमें आ रहा है। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के एक तरह का एक बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम है। और बीजेपी बिल्कुल जैसे कि हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का काफिला बीजेपी मुख्यालय में पहुंच चुका है। इंतजार किया जा रहा था मुखिया का, क्योंकि मंच तैयार है, वो नेता बैठ चुके हैं मंच पर, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बस उस घड़ी का इंतजार किया जा रहा है जब ये सभी कांग्रेसी नेता बीजेपी ज्वाइन करेंगे औपचारिक रूप से। योगेश जी, ओवर टू यू। देखिए आप तस्वीरों के जरिए, हम बिल्कुल देखिए आप तस्वीरों के जरिए, यश को कहूंगा एक बार दिखाएं वहां पर कि किस तरह से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के मंच पर तमाम कांग्रेस से आने वाले बीजेपी नेताओं को जगह मिली है। लालचंद कटारिया, ऋषपाल मिर्दा, खिलाड़ी लाल बैरवा, पूर्व मंत्री राजेंद्र यादव और साथ ही आलोक बैनीवाल आप देख सकते हैं प्रथम पंक्ति पर बैठे हुए हमें नज़र आ रहे हैं। विजयपाल मिर्दा भी हमें यहाँ बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, और देख सकते केसरिया रंग में रंगा जो बीजेपी का मंच है उस पर अब भारतीय जनता पार्टी के जो नेता, भारतीय जनता पार्टी के जो मंच पर अब कांग्रेस के नेताओं का आगमन हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कूटनीतिक मोर्चे पर बड़ी जीत उनकी मिल गई। ज्योति मिर्दा को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कांग्रेस के ही भीलवाड़ा के नेता रामपाल शर्मा को आप देख सकते हैं, अनिल व्यास भी यहाँ पर दिखेंगे आप तस्वीरों के अंदर, यहाँ पर अनिल व्यास को भी आप देखेंगे यहाँ पर, वो भी तस्वीरों में हमें नज़र आएंगे, अनिल व्यास वो भी हमें नज़र आने वाले हैं यहाँ पर, और पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की जो यही खड़े हो रही, और ये देखते हैं तस्वीरों के अंदर ऋषपाल मिर्दा जी हमें नज़र आ रहे हैं मंच पर बैठे हुए, और एक मिनट यही कर अंदर नहीं जा रहे, और यह देख सकते तस्वीरों के अंदर यहाँ पर, और कांग्रेस के और भी कई नेता, और यहाँ हाल ही में कांग्रेस पे अशोक तंवर है वो भी बीजेपी के इस मंच पर हमें नजर आ रहे हैं तमाम बड़े। अरे हम तो यही है, कहीं नहीं जा रहे जी जी, कोई दिक्कत नहीं, हमें नहीं भेज रहे कार्यकर्ताओं को। और ये देख सकते हैं मंच के ऊपर यहाँ पर जिस तरह का घटनाक्रम है, पूरी तरह यहाँ राज्य एस सी आयोग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके खिलाड़ी लाल बैरवा हमें नज़र आए, महेश शर्मा प्रदेश कांग्रेस के सचिव हैं पूर्व, वो भी हमें मंच पर नज़र आ रहे हैं, और साथ ही जयपुर ग्रेटर की मेयर सोमिया गुजर भी हमें नज़र आ, अनिल व्यास के बारे में भी आपको बता दूँ कि वो राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष हैं, ओलंपिक संघ से भी जुड़े हुए हैं, और लालचंद कटारिया के बेहद नजदीक है, खेलों की राजनीति से जुड़े हैं, और मंच पर आप देख सकते हैं अरुण चतुर्वेदी, और यहाँ पर ओंकार सिंह लखावत, श्रवण सिंह बगड़ी, और तमाम जो नेता है नार सिंह जोधा, प्रमोद वशिष्ठ जो मंच पर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, पूरी व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं, और पूरी तरह ये जो राजनीतिक तौर पर एक कहा जा सकता है बड़ा सियासी घटना का, और यहाँ पर ऋषपाल मिर्दा और कांग्रेस से आ रहे हैं जो नेता बीजेपी है, भारत माता की जय करते हुए
जय करते हुए नारे योगेश जी, योगेश जी, क्योंकि अभी जब ये काफिला निकला था उससे पहले लालचंद कटारिया के आवास के बाहर से भारत माता की जय और जय श्री राम के नारे लग रहे थे और अब मंच पर नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे हैं तो हर कोई हाथ भी उठा रहा है, यानी कि जिस पार्टी में आप शामिल हो गए हैं तो तैयारी पहले से थी, रीति रिवाज और उनका तरीका जो है वो भी अपनाना पड़ता है और वो अभी से दिखने लग गया है। भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, श्री सीपी जोशी जिंदाबाद, ये तो खड़े कर श्री सीपी जोशी जिंदाबाद। योगेश जी आप तक आवाज पहुंच रही है, तस्वीरें बेहद खास है, पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, बेहद अहम तस्वीरें आज राजस्थान की सियासत की। आपने बीजेपी मुख्यालय के अंदर की तस्वीरें देखी जहां पर मंच सज गया है, वो नेता कांग्रेसी नेता जो बीजेपी के रंग बिरंगे नजर आ रहे हैं, भिंडरपुर सरपंच जगतपुरा श्री राजेंद्र जी, सरपंच गोविंदपुरा राव अवतार जी चौधरी सरपंच, आपका भी भारतीय जनता पार्टी परिवार में हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। योगेश जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही होगी तो जरा जानकारी दीजिए और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप। आवाज इतनी ज्यादा है क्योंकि मंच से अब नारों की गूंज सुनाई दे रही है, अपने सहयोगी का रुख करेंगे फिर से। परिवार में आपने सुना यहाँ पर किस तरीके से नरेंद्र मोदी से लेकर भजनलाल शर्मा से लेकर तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं के नारे लगे गए और ये सभी मंच पर जो नेता है वो नारों की गूंज के साथ अपनी लय से लय मिलाते नजर आए और यही सियासत का एक रंग है, राजनीति का एक रंग है। जब दूसरी पार्टी में आप शामिल हो गए हैं तो उसके तौर तरीके लहजा और हर एक चीज अपना ली जाती है, यानी कि अभी औपचारिक रूप से शामिल नहीं हुए लेकिन उससे पहले की तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती है कि अब सब कुछ भुला दिया गया है, पहले का नए सिरे से नई जगह नए के साथ शुरुआत। सचिव सुल्तान सिंह जी मेहड़ा, प्रधान पूर्व पंचायत समिति जोमनेर राम नानार जी, प्रधान पंचायत समिति झोटवाड़ा श्री जगन्नाथ जी, बुडक पूर्व प्रधान लाडलू श्री कमरवीर जी चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा श्री कुलदीप ढेका देवा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा बच्चू सिंह जी चौधरी निदवई, श्री रामलाल मीणा जी उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा पूर्व विधायक प्रत्याशी, श्री महेश शर्मा जी बागड़ा पूर्व सचिव कांग्रेस कमेटी आमेर, श्री राकेश वाल्मीकि जी पूर्व जिला प्रमुख बूंदी, श्री राजकिरण जी चौधरी सभापति सरदार शहर नगर परिषद, श्री लालचंद जी मुड चेयरमैन चोरू, ईश्वर सिंह जी डोडी देहात कांग्रेस अध्यक्ष, लालचंद जी अध्यक्ष क्रिय विक्रय समिति, जिला सचिव हंस राज्य सिद्ध कांग्रेस जिला महासचिव चोरू, विमलेश अग्रवाल पूर्व प्रदेश सचिव कांग्रेस कमेटी, हनुमान सिंह जी जिला सचिव कांग्रेस कमेटी नागौर, रामनाथ। एक बार मेरे साथ जोर से जयघोष करेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये पीछे से आवाज आ रही है, भारत माता की जयघोष अपन सब करें, अपने नेताओं का भी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, आप सबकी जिंदाबाद। आज हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लंबे समय से ऐसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता
जो कांग्रेस पार्टी और अलग दलों में पार्टी के नाते से काम कर रहे हैं, समाज में काम करने का काम करते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ज्वाइन करने का तय किया है। एक बार भैया पीछे आप बैठे रहिए, मंच पर सब दिखेगा, ज्वाइन कराएंगे सबको दिखेगा, ज्वाइन होगी सबको दिखेगा सामने। आज सब ज्वाइन करने का काम करें। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी से आग्रह करूंगा कि दुपट्टा पहना करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। समझ गया। मैं श्रीमान श्रवण बगड़ी जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी को दुपट्टा पहनाकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित केंद्र में मंत्री और अलवर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रह रहे ऐसे भूपेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा अपने वासुदेव जी, दामोदर जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा आए, उनका स्वागत दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजस्थान के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दियोमा कुमारी जी के स्वागत के लिए मैं ज्योति मिर्धा जी से आग्रह करूंगा कि उनका दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। एक बार फिर मैं ज्योति जी से आग्रह करूंगा कि विजय राठकर जी को दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज श्रृंखला में जैसे मैंने बताया कि लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले बड़े बड़े जैसे कई लोग हैं जो दूसरी पीढ़ी में भी कांग्रेस में रहे, आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनके नाम का उच्चारण करूंगा और उसके बाद उन सबका औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनका दुपट्टा पार्टी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे और पार्टी में ज्वाइनिंग कराएंगे। मैं एक बार नाम का उच्चारण करता हूँ। श्रीमान लालचंद कटारिया जी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्थान में मंत्री रहे और लंबे समय से किसानों के नेता के नाते से काम कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि लालचंद जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी यादव, राजेंद्र जी कोटपुतली से आते हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में है। मैं मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और भूपेंद्र जी से आग्रह करूंगा उनका दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप साइड में नागौर की धरती से निकले हुए भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये पीछे से आवाज आ रही है, भारत माता की जय घोष अपन सब करें, अपने नेताओं का भी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सीपी जोशी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद, मंच पर बैठे सारे नेता जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, आप सबकी जिंदाबाद। आज हम सबका सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी के परिवार में लंबे समय से ऐसे कुछ सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी और अलग दलों में पार्टी के नाते से काम कर रहे हैं, समाज में काम करने का काम करते हैं, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के परिवार को ज्वाइन करने का तय किया है। एक बार भैया पीछे आप बैठे रहिए, मंच पर सब दिखेगा, ज्वाइन कराएंगे सबको दिखेगा, ज्वाइन होगी सबको दिखेगा सामने।
आज सब ज्वाइन करने का काम करें। मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री जितेंद्र गोठवाल जी से आग्रह करूंगा कि दुपट्टा पहना करके हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान भजनलाल शर्मा जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। समझ गया। मैं श्रीमान बगड़ी जी से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी को दुपट्टा पहनाकर इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हमारे बीच में उपस्थित केंद्र में मंत्री और अलवर लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, लंबे समय तक राजस्थान की राजनीति में सक्रिय रह रहे ऐसे भूपेंद्र यादव जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा अपने वासुदेव जी, दामोदर जी अग्रवाल से आग्रह करूंगा आए उनका स्वागत दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। राजस्थान के यशस्वी उप मुख्यमंत्री श्रीमती दियोमा कुमारी जी के स्वागत के लिए मैं ज्योति मिर्धा जी से आग्रह करूंगा कि उनका दुपट्टा पहना करके स्वागत करें। एक बार फिर मैं ज्योति जी से आग्रह करूंगा कि विजय राठकर जी को दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज श्रृंखला में जैसे मैंने बताया कि लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले बड़े बड़े दृश्य कई लोग हैं जो दूसरी पीढ़ी में भी कांग्रेस में रहे, आज भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनके नाम का उच्चारण करूंगा और उसके बाद उन सबका औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी, मंच पर बैठे हुए पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनका दुपट्टा पार्टी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे और पार्टी में ज्वाइनिंग कराएंगे। मैं एक बार नाम का उच्चारण करता हूं। श्रीमान लालचंद कटारिया जी पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे, राजस्थान में मंत्री रहे और लंबे समय से किसानों के नेता के नाते से काम कर रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी परिवार को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि लालचंद जी का दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान राजेंद्र सिंह जी यादव, राजेंद्र जी कोटपुतली से आते हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री रहे, लंबे समय से सार्वजनिक जीवन में हैं। मैं मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और भूपेंद्र जी से आग्रह करूंगा उनका दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। आप साइड में नागौर की धरती से निकले हुए मिर्जा परिवार के ज्योति मिर्जा जी पहले से हमारे परिवार में शामिल हैं। नागौर से पार्टी के प्रत्याशी और अभी नागौर से लोकसभा के प्रत्याशी हैं और उसी परिवार का बड़ा नाम श्रीमान रिचपाल मिर्जा जी जो किसानों की लंबे समय से आवाज रहे वो पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि रिचपाल जी को दुपट्टा पहना करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। करौली धौलपुर क्षेत्र से सांसद रह चुके विधायक रहे ऐसे खिलाड़ी राजी बैरवा, हम सब जानते हैं दलितों के विषय को लेकर के आमजनों के संघर्ष करने वाले खिलाड़ी लाल जी का पार्टी ज्वाइन करा, मुख्यमंत्री जी स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान आलोक बेनीवाल जी, हम जानते हैं आलोक जी उस परिवार से आते हैं, दूसरी पीढ़ी के कार्यकर्ता हैं जो कांग्रेस के साथ रही और जिस प्रकार का व्यवहार हुआ उसके बाद कारण से आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। श्रीमान विजयपाल जी मिर्जा पूर्व विधायक डेगाना, विजयपाल जी का भी प्रदेश अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा आए उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान रामपाल जी शर्मा, रामपाल जी भीलवाड़ा से बोलते आते हैं, भीलवाड़ा से लोकसभा का चुनाव कांग्रेस के लड़े, लंबे समय से कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता रहे ऐसे रामपाल जी शर्मा भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा उनको दुपट्टा पहनाकर स्वागत करें। हम सब जानते हैं श्रीमान रामनारायण जी किसान कभी भारतीय जनता पार्टी परिवार में रहे, बाद में कांग्रेस में गए, अभी पूर्व विधायक के नाते से फुलेरा से विधायक रहे श्री रामनारायण जी किसान का मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दुपट्टा पहना करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्रीमान अनिल व्यास जी
क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष रहे, मंत्री का दर्जा रहे, लंबे समय से कांग्रेस के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े हुए, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। श्री सुरेश चौधरी जी सेवा दल के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस में महामंत्री विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया और समाज जीवन में भी एक सर्व समाज के व्यक्ति के नाते जिन्होंने छवि बनाई, ऐसे सुरेश चौधरी जी का भी मैं प्रदेश अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा, स्वागत करें, अभिनंदन। हम सबका सौभाग्य है कि मेवाड़ की धरती में जनता सेना के नाते से जो लगातार वहां के विषयों को लेकर के संघर्ष कर रहे, ऐसे श्रीमान रणधीर सिंह जी भिंडर और उनकी पत्नी श्रीमती भिंडर जी दोनों भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी का विलय भी कर रहे हैं और पार्टी वापस आ रहे हैं। हम सब जानते हैं कि रणधीर सिंह जी पहले भारतीय जनता पार्टी के नाते पार्टी के विधायक रहे, श्रीमती भिंडर पार्टी की प्रदेश की महिला मोर्चे की महामंत्री रही, पार्टी में लंबे समय काम किया, उस समय से डगर अलग थी, अब वापस भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होकर के उसको मजबूती देने का काम करते हैं। मैं रणधीर सिंह जी, श्रीमती भिंडर और जनता सेना के मेवाड़ के अंचल के सभी कार्यकर्ताओं को आज पार्टी के परिवार में शामिल करके उनका अभिनंदन करता हूँ, शामिल करता हूँ। श्रीमान रिजू झुंझुनवाला, हम सब जानते हैं कि भीलवाड़ा के प्रमुख उद्योगपति, अजमेर से कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी रहे, ऐसे रिजू झुंझुनवाला जी भी मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी दुपट्टा पहना करके स्वागत करेंगे। मंच का कोई इतरा नहीं ना। अब एक बार कुछ लोग ऐसे हैं जिनको पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं, मंच के दाहिनी तरफ हैं, कुछ ऊपर हैं, उनका मैं एक बार यहां से स्वागत करूंगा, बाकी उन सबका दुपट्टा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को आगे एक कार्यक्रम में जाना है। श्रीमान ओंकार सिंह जी चौधरी सेवानिवृत्त आईएएस हैं, आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्री गोपाल राम जी कुकड़ा जिलाध्यक्ष भारत कृषक समाज, वो भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर अशोक जांगड़ प्रदेश महासचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ओबीसी विभाग, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अखिल भारतीय जांगड़ ब्राह्मण महासभा, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजेंद्र परसवाल सचिव राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्रीमान शैतान सिंह जी मैरणा प्रधान पंचायत समिति जोबनेर, श्री रामनारायण जी झाझड़ा प्रधान पंचायत समिति जोटवाड़ा, श्री जगन्नाथ जी बोर्डक, हम जानते हैं हरजी राम जी बोर्डक बहुत पुराना नाम है कांग्रेस में, उनके सुपुत्र हैं, पूर्व प्रधान लाडनू, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान कर्मवीर चौधरी जी, श्रीमान कुलदीप डेवा जी युवा प्रदेश अध्यक्ष जाट महासभा राजस्थान, श्रीमान बच्चू सिंह जी चौधरी सिंसनवार नदवई के रहने वाले हैं, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान रामलाल मीणा उपाध्यक्ष राष्ट्रीय मीणा महासभा पूर्व विधायक प्रत्याशी, श्री महेश शर्मा पूर्व प्रदेश कांग्रेस सचिव, श्री राकेश बोयत वाल्मीकि ये पूर्व में जिला उदयपुर के बूंदी के जिला प्रमुख रहे, राकेश जी मंच पर आए, प्रदेश अध्यक्ष जी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें, राकेश जी आपका स्वागत है। और राकेश जी के साथ 50 अन्य लोग जो पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के सदस्य हैं, कोई पार्षद रहे, कोई कांग्रेस में अलग दायित्वों पर रहे, ऐसे 50 लोग और भी आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान राजकरण जी चौधरी सरदार शहर नगर परिषद के चेयरमैन हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य ज्वाइन कर रहे हैं, उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। राजकरण जी के साथ श्रीमान लालचंद जी मूड डेयरी चेयरमैन चुरू, श्रीमान ईश्वर डूडी देहात कांग्रेस अध्यक्ष व पूर्व अध्यक्ष भूमि विकास बैंक चुरू से, श्रीमान लालचंद थिरंग अध्यक्ष क्रय विक्रय सहकारी समिति कांग्रेस जिला सचिव चुरू, श्रीमान हंसराज जी सिद्ध कांग्रेस जिला महासचिव चुरू और इनके साथ ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान विमलेश अग्रवाल जयपुर में अग्रवाल समाज के नाते और सामाजिक जीवन में सक्रिय रहने वाले विमलेश अग्रवाल जी आज कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पिछले दिनों विधानसभा चुनाव से पहले उनके सुपुत्र नीरज अग्रवाल जो पार्षद हैं उन्होंने भी पार्टी ज्वाइन की है। श्रीमान हनुमान सिंह जी जाखेड़ा सचिव जिला कांग्रेस कमेटी नागौर वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमान रामनिवास जी सोनी सैनी अपने उदयपुर वाटी नगर परिषद के चेयरमैन है, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सदस्य रहे, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। श्रीमती मंजू सिंघी चेयरमैन नगर पालिका जोबनेर, श्रीमान प्यारेलाल जी शर्मा प्रदेश उपाध्यक्ष वीरपुर फाउंडेशन, श्रीमान विनोद पुनिया जी पूर्व सदस्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्री रणजीत सिंह जी पूर्व प्रधान मालपुरा टोला राय सिंह, श्री जवाहर सिंह राव विधि प्रकोष्ठ कांग्रेस, श्री इंदिराज गुजर
प्रधान कोटपुतली अभी वर्तमान में प्रधान है, श्रीमती दुर्गा सैनी चेयरमैन है नगर पालिका कोटली की, वो भी पार्टी ज्वाइन कर रही है। श्रीमान कन्हैयालाल सैनी ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस, श्री नरसिंह गुजर सचिव कांग्रेस कमेटी, श्री दिनेश शर्मा सचिव कांग्रेस कमेटी धौलपुर, ये भी आज सब पार्टी ज्वाइन करके भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल हो रहे हैं। एक मदन अटवाल जी चेयरमैन डेगाना और सुनीता चोयल प्रधान डेगाना, श्रीमती हुक्मा राम जी बाजिया पूर्व कांग्रेस महामंत्री नागौर, श्री परसा राम जी प्रधान, ये भी आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, इनका भी स्वागत है। इसके साथ कुछ और हैं, मैं उनके नाम भी दोहराता हूँ, नंद किशोर बाद में कर लेंगे, बाकी बड़ी संख्या में आज यहाँ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस से छोड़ करके जो भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं, और ये संख्या लगभग हजारों में है, कुछ यहाँ है कुछ अपनी धरती से। मैं उन सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी के बाद में, उन सबका भी उन दुपट्टा पर करके स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अब मैं पार्टी के बाद में करेंगे, नंद किशोर जी चौधरी पंचायतवीं सदस्य, रामनारायण जी किसान, रामनारायण जी का हो गया ना, इसमें कई हो चुके, पहले प्रदेश अध्यक्ष को बुलाओ ना। मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान सीपी जोशी जी से आग्रह करूंगा और हम सबको संबोधित करें। अरे भाई आ जाओ एक बार इधर साइड, एक बार मेरे साथ जोर से जयघोष करेंगे, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। ये पीछे से आवाज नहीं आ रही है, भारत माता की जयघोष अपन सब करें, अपने नेताओं का भी। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।